भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI 22 मार्च को मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए पहुंचा। ये कदम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के हालिया आदेश के बाद उठाया गया। हिंदू भोजशाला को वाग देवी को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में धार में मौजूद ये भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, इसका फैसला ASI सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। इसको लेकर धार के SP ने जानकारी दी। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में भारत सरकार संस्कृति विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर साहब का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उस पत्र की सूचना प्राप्त होने के बाद हम और प्रखंड साहब आज भोजशाला परिसर का हम लोगों ने निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना है, उनकी क्या डिमांड है, उस पर हमारी चर्चा होगी और माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के पालन में सर्वे का काम शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो, इस लिहाजा जो भी सुरक्षा व्यवस्था लगाने की आवश्यकता होगी वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। और आपके माध्यम से मैं धार जिले की पूरी जनता को अपील करना चाहता हूं कि माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है, सर्वे का काम ASI के द्वारा पूरा होना है, उसमें सभी लोग सहयोग करें और सर्वे के काम में कोई कहीं व्यवधान न हो, इसके लिए हम पूरी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और साथ में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शहर में अमन चैन शांति बहाल रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि शहर की जनता, धार जिले की जनता इस पूरे सर्वे में पूरा सहयोग करेगी ताकि अमन चैन बना रहे। भोज उत्सव समिति के सचिव और वकील का क्या कहना है, सुनिए। सर्वे टीम अपना सर्वे कर रही है तो चूंकि भोजशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है, शंख चक्र घंटे घड़ियाल बड़े शिलालेख दो यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई, तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला ही है। देखिए चूंकि एक न्यायालय की एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए जैसे देश में बड़े निर्णय हुए हैं, अपन ने अभी अयोध्या में राम मंदिर देखा है, काशी और ज्ञानवापी में व्यासपीठ में गए, तो वो एक जो है प्रक्रिया के तहत गए हैं, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का जो आदेश रहेगा वो मान्य रहेगा और उसी के तहत ASI ने जो सर्वे की अनुमति मांगी थी वो उसी के तहत आज जो सर्वे हो रहा है, तो इसमें अभी तो प्रत्यक्ष रूप से जितने प्रमाण है वो तो स्पष्ट दिखा रहे हैं और अब जांच में खुदाई में कितने प्रतीक चिन्ह निकलते, कितने अपने स्ट्रक्चर निकलते हैं, उससे स्पष्ट होगा कि ये राजा भोज की प्रतिमा, राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला है, जो वाग देवी की मूर्ति यहीं पर स्थापित थी और इसका अधिकार हिंदू समाज को ही रहेगा। सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए, उन लोगों ने मांग की है कि सर्वे को रोक दिया जाए तत्काल। देखिए वो स्वतंत्र है, जा सकते हैं, वो उनका व्यक्तिगत वो है। देखिए उस बारे में हाईकोर्ट ने जो आदेश किया वो एक तरह से कहा जाए कि उसमें अभी कुछ कहना संभव, तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, पर हाँ यह है कि भैया यदि उन्होंने आदेश दिया है तो वो उसका पालन करवाएंगे। भोजशाला का मामले में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश इंदौर हाईकोर्ट ने दिया था, आज उसकी कंप्लायंस में सुबह 6 बजे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना सर्वेक्षण शुरू कर दिया और उस सर्वेक्षण के खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आज अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया है और उसमें अभी कोई सुनवाई नहीं होगी। भोजशाला को लेकर कालांतर में कई पिटीशनें लग चुकी हैं उच्च न्यायालय में, पर अभी वर्तमान में 4 पिटीशन चल रही है, जिसमें 2 पिटीशन 2022 में जिसका नंबर 10484 और 10497 है वे लगी थी और उस पिटीशन के अंदर हमने एक अंतरिम आवेदन याचिका लगाई थी और एक पिटीशनर पक्ष ने भी लगाई थी इसमें कि दोनों की मांगे एक ही थी कि भोजशाला जो मॉन्यूमेंट है उसका सर्वे हो, वहां का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहां का सर्वे करे, उसका एक्सकवेशन और वहां की संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर पेश करे, जिसके परिपालन में 19 फरवरी को सभी पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क किए गए थे और 11 मार्च 2024 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बेंच ने उस आदेश को सुरक्षित रखने के बाद 11 मार्च को जो है वो आदेश पारित करा और आदेश में ये उन्होंने स्पेसिफिकली वर्णन करा है कि 6 सप्ताह के अंदर
एएसआई सर्वे कंडक्ट कराने के बाद जिस पांच सदस्यीय कमेटी जिसमें एएसआई के पांच निर्देशक के लेवल के लोग और वो पांच लोग सदस्य के निर्देशन में एक कमेटी बनने के बाद यहाँ के स्थानीय पिटिशनर्स को लेकर और सर्वे प्रारंभ होगा ऐसा और छह सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय के पटल पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसे आज सुबह 6 बजे सूर्य उदय के साथ ही सर्वे प्रारंभ हो चुका है और जल्दी उम्मीद है कि सर्वे सुरक्षित व्यवस्थित होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर रखी जाएगी।